भाषा में प्रसारित माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात के प्रसारण के ठीक बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाता है। आज आकाशवाणी दरभंगा से मैथिली भाषा में इसका प्रसारण किया गया, जिसे मैथिली भाषियों में काफी खुशी है। एक रिपोर्ट। देश भर में मन की बात का प्रसारण हिंदी में किया जाता है, इसके साथ ही इसके प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है। आज आकाशवाणी दरभंगा से मैथिली भाषा में मन की बात का प्रसारण किया गया, जिससे मिथिला भाषियों में बेहद खुशी है। लेकिन मातृभाषा रूप में मिथिला में खासकर मैथिली में जब एकर प्रसारण होइ छै, ट्रांसलेशन होइ छै, तो जनमानस जे छै से बड़ा साकांक्ष रहै है जे किछु नव बात बढ़िया से हमसब बुझि सकबै, किया तऽ कोनो बात के अपन मातृभाषा में जते सहज आ सुलभ ढंग से लोग बुझै छै, सुनै छै आ ओहि पर ध्यान दै छै, से आन भाषा में नहीं भऽ पबै छै। तऽ ई बड़ा हरखन दुखाइ छै जे अपना क्षेत्र में मैथिली में सेहो एकर प्रसारण होइ छै, और जाहि सँ आम लोग जे आम जनता छै से ओहिसँ परिचित भऽ पबैए। इससे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री हमारे अपने, हमारे घर के जैसे, और विभिन्न संस्कृतियों के बारे में जानकारी मिलती है, विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में हमें पूरा विस्तार से जानकारी प्राप्त होती है। दरभंगा जिले के आमजनों ने दूरदर्शन से अपनी बातों को साझा करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री जी के मन की बात लोगों तक पहुंच रही है, अपनी भाषा में इसके प्रसारण से इसका महत्व और बढ़ गया है। ये हमारा अहाँ के सौभाग्य है कि लोक से जुड़वा में प्रधानमंत्री जी के ये दूरदृष्टि है जो प्रधानमंत्री जी ओ क्षेत्र के लोग के हुनके भाषा में जुड़े के लिए प्रयास कलखिन है, ये बड़ा ही सराहनीय है, बड़ा ही एक हम प्रशंसनीय कहबे। प्रधानमंत्री जी एहन एहन गप सब अपना सबक बीच रखे छथि जे एकदम जन सामान्य के बीच में बीचक गप है, जे अपना सब योग जो नहीं कह पबे छी तो योग निश्चित रूप से करी, जे अखनो आइयो जे अपना सब सुनलो प्रधानमंत्री जी के। आ सबसे पैघ खुशी के बात ई अछि जे महिला सबहक जे योगदान छन ओहि पर ओ विशेष जोर देलखिन। प्रधानमंत्री हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम करते हैं। इस बार पीएम ने लोगों से अपनी माँ के नाम एक पेड़ लगाने की अपील की है। दूरदर्शन समाचार के लिए दरभंगा से दीपक कुमार झा की रिपोर्ट।